अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरुबा आसिम और आप देख रहे हैं DHA प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूँ रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो इस चीज़ से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि अभी हम DHA की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। माजी में हमने आपको बताया कि DHA फेज़ वन में अगर आपको अपार्टमेंट की खरीदो फरोख्त करनी हो तो कम से कम कितनी कीमत में करनी चाहिए और कौन सी लोकेशन पर करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DHA फेज़ टू के हवाले से कि अगर DHA फेज़ टू कराची में आपको अपार्टमेंट की खरीदो फरोख्त करनी हो तो कम से कम कितने कीमत में आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा और कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी। इस हवाले से मालूमात हासिल करेंगे अपने DHA की एक्सपर्ट मिस हलीमा से। तो आइए उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरुबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मिस हलीमा। एज एन DHA रियल एस्टेट एक्सपर्ट, अगर किसी इन्वेस्टर को DHA फेज टू कराची में अपार्टमेंट में खरीदो फरोख्त करनी हो तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, DHA फेज़ टू के अंदर अगर हम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो DHA फेज़ टू में हमारे पास अपार्टमेंट कैटेगरीज डिफरेंट हैं और फेज़ टू वो पुराना फेज़ है DHA का और सबसे ज़्यादा आबाद फेज़ आता है DHA फेज़ टू। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल आज़म बस्ती हो गया, हमारा एरिया काला पुल हो गया, ठीक है, इससे बिल्कुल नियर अबाउट हमारा DHA फेज़ टू लगता है। और स्टार्टिंग का फेज़ आता है DHA का, इससे अगर हम देखते हैं फेज़ टू से आपको क्लिफ्टन करीब पड़ता है। और दूसरा ये है कि इसकी जो लोकेशन है काफ़ी प्राइम है फेज़ टू की, बिल्कुल बीचों बीच आता है आपके, बिल्कुल फेज़ टू के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद आपकी बैतुस्सलाम मस्जिद भी है और इसमें हमारे पास स्कूल्स, पार्क, एवरीथिंग मौजूद है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हम DHA फेज़ टू की बात करते हैं तो इसमें अपार्टमेंट कैटेगरीज डिफरेंट आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास 100 यार्ड, 200 यार्ड की बिल्डिंग्स हैं और 400 यार्ड की बिल्डिंग्स हैं। जो 100 एंड 200 यार्ड की बिल्डिंग्स हैं, अगर हम ओल्ड कंस्ट्रक्शन को अभी पहले फॉलो करते हैं तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो उस वक्त हमारे पास इस वक्त रेडी अपार्टमेंट्स हैं ओल्ड कंस्ट्रक्शन में, जो कि इस वक्त ओल्ड कंस्ट्रक्शन तकरीबन 10 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, 8 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अगर हम उस पर अपार्टमेंट बाय करते हैं 2 by DD का 100 गज की बिल्डिंग में तो हमें 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट अरुबा कम से कम हमें मिलेगा, 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो कि 80 लाख से स्टार्ट है, डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर, 1995 तक भी है 2 by DD। अगर हम 3 by DD की बात करते हैं ओल्ड कंस्ट्रक्शन में, हमें 3 by DD रेडी टू पोजीशन वाले अपार्टमेंट लेके और फौरी शिफ्ट होते हैं तो वो अपार्टमेंट हमें तकरीबन 120 तक 130 स्टार्टिंग जो है 130 से लेकर तकरीबन 150 की रेंज में भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 1250 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है। अगर हम बात करते हैं 400 गज के प्रोजेक्ट की, जो इस वक्त ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन लिफ्ट वाली बिल्डिंग में हमें अपार्टमेंट मिलता है 2 by DD का 950, 1000 स्क्वायर फीट का, कम से कम 120 तक की रेंज में हमें मिल जाता है, जिसमें हमें कुछ ऐसे भी अपार्टमेंट इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी इस वक्त जिसके ऊपर हम बैंक लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई अक्सर बैंकर क्लाइंट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो बैंक लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं, कंप्लीशन वाली बिल्डिंग में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं कि वो बैंक लोन के ऊपर भी अपार्टमेंट को बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास बैंक लोन हमें बैंक उस चीज़ उसके ऊपर रेफर करता है जिसमें हमारे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का अवेलेबल होता है, तो उसमें हमें बैंक लोन मिल जाता है। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं 3 by DD की बात करते हैं, 3 by DD हमारे पास ग्राउंड DHA के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है ग्राउंड प्लस 5 की, अगर 400 गज के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 400 गज के जो इस वक्त न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उसमें हमारे पास लिफ्ट है, पार्किंग है, बैकअप जनरेटर दिया जा रहा है। पार्किंग वाला जो प्रोजेक्ट है वो 400 गज का और 600 गज की बिल्डिंग पे इस वक्त अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन आ रही हैं, तो न्यूली कंस्ट्रक्शन रेडी अपार्टमेंट्स के लिए आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और आपको जो भी आपकी क्यूरी है DHA के हवाले से, आपके तमाम क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूंगी और मैं उन क्लाइंट्स से भी आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारी लास्ट जो वीडियोस गई हैं उनमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें। तो इसी तरीके से हम अपनी सीरीज वाइज फेज टू, फेज फोर, फेज फाइव की सीरीज वाइज कमर्शियल रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट वीडियोस करते रहेंगे और तमाम जो आपके माइंड में क्यूरी है बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस हलीमा में अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाजरीन, अगर आप DHA फेज टू कराची में अपार्टमेंट की खरीदो फरोख करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। तब तक दें अपने होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।